खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। रूपवास कस्बे के बाजार में अवैध रूप से लग रही फल सब्जियों के ठेले व दुकानों के सामने अतिक्रमण करने वाले मालिकों के करीब 50 चालन काटे। लगातार मार्ग को अवरुद्ध करने की शिकायत मिलने पर टाउन चौकी इंचार्ज सुगना मीणा के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने की कार्रवाई। पुलिस एक्ट में कार्रवाई करते हुए चालन काटे गए। नगरपालिका की तरफ से धर्मेंद्र चौधरी की टीम ने बाजार में लाउड स्पीकर से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सैनिटाइजर का प्रयोग करने की भी चेतावनी दी। 3 बजे तक दुकान खुलेंगे। भरतपुर से सतीश सारस्वत की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।